अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, अपने परिवार की चिंता नहीं करी और बहुजन समाज के लिए पूरा जीवन लगा दिया और उस जीवन को समर्पित कर दिया उस समाज के लिए, सोशल वंचित समाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और उसको जो सींचा वो था माननीय काशीराम साहब ने, इसको बिल्कुल नई तरीके से रचना दी और उन्होंने माइनॉरिटी वगैरह सभी कम्युनिटी को एक आगे लेकर आए और पूरा क्रांतिकारी तरीके से नई नींव का निर्माण करा और बसपा का निर्माण करा उन्होंने, DS4 का निर्माण करा उन्होंने। साहब अभी जो गठबंधन टूटा है और काशीराम साहब का और बाबा साहब का सपना आप कहां तक देखते हैं साकार होते हुए, उसके बारे में बताएं। और काशीराम साहब अगर आज की तारीख में होते तो क्या देश के अंदर परिवर्तन होते वो भी बताएं। काशीराम जी का नाम आते ही मैं समझता हूँ कि शायद इस देश के बहुजन ही नहीं, इस देश के सभी लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा सूरज सामने हमारे उभरता है जो इस देश में सामाजिक रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन करके जाते हैं। लेकिन काशीराम जी के नाम से ही बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व है और बहुजन समाज पार्टी आगे भी जाएगी, ये मेरा विश्वास भी है। और जैसा कि आपने अभी कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने सारा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया था। काशीराम जी ने, और मुझे लगता है कि काशीराम जी के जानने वाले, काशीराम जी को समझने वाले ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये कहा कि बहुजनों, बाबा साहेब की एक किताब को पढ़कर मेरा पूरा जीवन बदल गया। आप लोगों ने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी है, और उन्होंने समाज के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। तो काशीराम जी ने इस देश के बहुजनों को जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था है, और अगर बहुजन नहीं संभले और बहुजन की स्थिति जो आज है, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसका परिणाम जो हमारे सामने है, उसमें बहुजन समाज की जो स्थिति हमारे सामने दिख रही है वो बहुत ही भयानक है। और भयानक क्यों कर है, इसके पीछे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज वास्तव में बहुजन समाज बन नहीं पाया। काशीराम जी अपने बहुजनों को जो सामाजिक व्यवस्था थी उस बेड़ियों को तोड़कर एक बहुजन समाज बनाना चाहते थे, एक कौम बनाना चाहते थे। अब वास्तव में बहुजन समाज एक कौम है, जिसे आज हम SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम से विभिन्न रूप में जानते हैं, वो वास्तव में अलग अलग कौम नहीं, एक कौम है। और ये कौम इस रूप में है कि जो सामाजिक व्यवस्था इस देश की है, जो जाति व्यवस्था इस देश की है और जिस पर धर्म की मुहर लगी हुई है, वो बहुजनों की बनाई हुई नहीं है। उन्होंने स्वयं को यह खांचों में नहीं बांटा है, उन्होंने स्वयं को ये जो टुकड़े टुकड़े किए हैं उन्होंने स्वयं को नहीं किया है। तो इस बात को हमें समझना होगा, और यही समझ बनाने के लिए, इसी समझ को पैदा करने के लिए काशीराम जी ने बीड़ा उठाया था। उन्होंने DS4 बनाया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के पीछे इस देश के बहुजनों को एक कौम बनाना था, और इस कौम बनाने में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। और यही कारण है कि उत्तर भारत में, इस देश का हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बहुजन समाज की सत्ता स्थापित की, और इस सत्ता के रूप में दलित समाज की महिला माँ बहन मायावती जी को स्थापित किया था। मायावती जी एक प्रतीक बन गई, आयरन लेडी के रूप में आज हम सब बहुजन उन्हें जानते हैं। लेकिन काशीराम जी के जाने के बाद जो सामाजिक स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर, जो बहुजनों के अंदर जो काम होना था, जो बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जो उन्होंने इस देश में परिवर्तन का बिगुल फूका था, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना था, ना कि सजा सभाओं में केवल गाने गाकर, केवल फूलमाला चढ़ाकर। उसे हर एक बहुजनों के अंदर, हर एक बहुजनों के घर के अंदर, समाज में इस विचारधारा को समझाना था, क्योंकि जो टुकड़े इस समाज के हैं, बहुजन समाज में जो बिखराव है, वह इसी कारण से है कि बहुजन अलग अलग
अपने को काम के रूप में मानते हैं, और कांशीराम जी इस पूरे बहुजन समाज को एक काम बनाना चाहते थे। और इस काम बनाने के जी एक बात बताइए, साइकिल से एक मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है, और आज सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों नेता होने के बावजूद भी वो संगठन, वो मजबूती नहीं आ पा रही है, उसका क्या विशेष कारण है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। साइकिल से कांशीराम जी का जो पूरे देश का दौरा था वो जन जन से संपर्क का था। वो जहाँ भी जाते थे सीधे तौर पर अपने समाज से, बहुजन समाज से मिलते थे, और मिलकर उनके अंदर एक भावना जगाते थे कि इस देश के हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन जो हैं, इसी देश, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये हवा हमारा है, ये पेड़ पौधे हमारे हैं, ये नदियाँ हमारी है। तो ये भावना उन्होंने जो समाज में पैदा की थी। लेकिन उनके बाद भले ही आज बहुजन समाज पार्टी और हमारे नेताओं के पास सभी तरह के साधन उपलब्ध हों, गाड़ियां हों, लेकिन जनता से सीधा संपर्क उनका नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो परिस्थिति जो सामने हमने, विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा इस लोकसभा चुनाव का, तो इस लोकसभा चुनाव में मुझे जहाँ तक लगा जनता पूरे तौर पे तैयार थी एक बदलाव के लिए, इस देश में क्रांति लाने के लिए, इस देश में बहुजनों का राज्य स्थापित करने के लिए। इस देश की जनता पूरे तौर से तैयार थी कि इस देश में परिवर्तन आए। लेकिन जो हमारे नेता थे, जो हमारे जितना हद तक मैंने देखा, जो मुझे सूचना मिली या जो मेरा संपर्क रहा, उसमें मैंने देखा जो समाज के अगुवा बनने वाले थे, जो समाज को राह दिखाने वाले थे, उनका जनता से सीधा संपर्क नहीं था। और केवल सीधा संपर्क ही नहीं, इस देश की बहुजन की जो समस्याएं थी, इस देश को बहुजनों को जिस एक रोड मैप तैयार करना था, जिस रोड मैप की बात मैं करता हूँ, और आज आपने देखा होगा कि रोड मैप की बात जो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो वो आज करने लगी है, और इसी रूप में जो रोड मैप तैयार करना था, जो एक योजना होनी थी, वो जनता को बताना था। जनता के अंदर, हमारे बहुजन जनता के अंदर जो टुकड़े टुकड़ों में जनता बटी हुई है, उस सारे समाज को, उस बहुजन समाज को अपनी सारी योजना को उनके सामने रखना था, और तभी बहुजन समाज जुड़ता। और यही कारण है कि साइकिल के साथ कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज को जगाया था, वह आज सारे साधन, हेलीकॉप्टर या सारे साधन होने के बाद उन्होंने, आज के नेताओं ने जनता से सीधा संपर्क नहीं किया। इसलिए जनता को जो बात बतानी थी समाज उत्थान की, बहुजन उत्थान की, बहुजन एकता की, इस गठबंधन की, उसे जनता समझ नहीं पाई। हाँ, जरूर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने देखा, जो बहुजन समाज के जो गठबंधन था, उनके नेताओं की सभाओं में जो भीड़ थी, जो बहुजन की आशा के रूप में जो भीड़ थी, वो वहाँ इकट्ठे जरूर हुए थे, लेकिन जो लोकल नेता थे, जो क्षेत्रीय नेता थे, उनके अंदर ये अभाव था। अभाव क्या, उनके अंदर बहुत ही कमी थी। और आज भी मुझे लगता है कि जो नेता हैं, उनके अंदर बिल्कुल ही ये सोच नहीं है कि बहुजन समाज है क्या, बहुजन समाज का निर्माण कैसे करना है, बहुजन समाज की समस्याओं को कैसे स्पष्ट रूप से बताना है। और अगर मुझे लगता है कि बहुजन समाज के नेता, बहुजन पार्टी के या जो गठबंधन के नेता हैं, और सीधे तौर पर बहुजन समाज के सामने अपनी बात को रखेंगे, अपनी योजना को रखेंगे, अपने रोड मैप को रखेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और बहुजन समाज का सत्ता स्थापित होगी। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन उनको जन जन संपर्क करना पड़ेगा। और जो आज भी लोग देखते हैं कि हमारे घर पे अगर कोई नेता आता है या कोई हमारे से मिलने आता है, तो उसका आदर सत्कार पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और वो दिल से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बहुजन समाज के लोग जो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के अंदर चले गए, हमारे चैनल से आपने बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।